आप ध्यान दीजिए, एक कक्षा 10 गणित डॉक्टर मनोहर लेखक की किताब है जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। दो चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 3A पार्ट 6 से संबंधित ये आपका प्रश्न है। ए और बी की मासिक आय का अनुपात 9:7 है और उनके मासिक व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि उनमें से प्रत्येक 200 रुपया मासिक बचाता है तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात कीजिए। प्रश्न को पहले विधिवत पढ़ लेते हैं, इसके बाद जैसा प्रश्न कहता है उसके अनुसार हल करते हैं। एक मान लिया माना ए की मासिक आय बराबर 9x, बी की मासिक आय 7x तथा दोनों के मासिक व्यय का अनुपात 4:3 है, तो ए का मासिक व्यय बराबर 4y, बी का मासिक व्यय बराबर 3y। प्रश्नानुसार दोनों में से प्रत्येक की बचत 200 रुपया मासिक है, इसलिए 9x में से 4y घटा देंगे तो a की बचत निकल जाएगी, तो a की बचत बराबर 9x माइनस 4y बराबर 200। ये आपका पहला समीकरण हो गया। b की बचत ज्ञात करना होगा तो 7x में से 3y उसके व्यय को घटा देंगे और बराबर 200, क्योंकि दोनों की बचत 200 रुपया है। ये आपका समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 में 3 का वाई वाला पद हम बराबर कर रहे हैं, तो समीकरण 1 में 3 का तथा समीकरण 2 में 4 का, इसी 3 का इस पूरे में गुणा कर देंगे और इस 4 का इस पूरे में गुणा कर देंगे तो आपका वाई वाला पद बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 में 3 का था, समीकरण 2 में 4 का गुणा करने पर 3×9=27x-12y बराबर 600। अब 4 का इस पूरे में गुणा करेंगे, 7×28x-12y बराबर 800। ये दोनों पद बराबर हैं, एक पद से पहले धन होना चाहिए और दूसरे से पहले माइनस, तब ये कट जाता है अर्थात घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। ये आपका कट गया, ये असमान चिन्ह, जब चिन्ह बदल लिया जाता है तो इस बीच वाले चिन्ह से कोई तात्पर्य नहीं रह जाता है। इसको पढ़ेंगे ऋण 28x और इसको पढ़ेंगे धन 27x। अब यह समान चिन्ह घट जाएगा, ऋण x बराबर, यहाँ भी ऋण 8x से प्लस ऋण 800 है और प्लस 600, समान चिन्ह घट जाएगा, आपका ऋण 200 आएगा। ये और ये ऋण हटा दिए जाएंगे और x बराबर 200। अब इसे x बराबर 200 अर्थात इस x का मान 9x और 7x में रखेंगे तो a की मासिक आय और b की मासिक आय निकल जाएगी। इसलिए ए की मासिक आय बराबर 9x, अब इसी में x का मान रख लेंगे, 9×200 बराबर 1800 रुपया तथा बी की मासिक आय बराबर 7x, 7×200 बराबर 7×14।
1400 रुपया आपका आंसर हो जाएगा 1800 रुपया कामा 1400 रुपया, ये आपका उत्तर हो जाएगा। और ये भी बता दें आपको, यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी करें और कमेंट भी लिखें। और ये भी बता दें कि कक्षा 9, 10, 11, 12 गणित विज्ञान अंग्रेजी की भी कक्षाएं चलाई जाती हैं, और इसके अतिरिक्त बैंक, SSC, रेलवे, पुलिस, एयरफोर्स ने भी टेट, CTET, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, CHS प्रवेश परीक्षा और सैनिक विद्यालय प्रवेश परीक्षा की भी कक्षाएं चलाई जाती हैं। यदि आपको इनके बारे में जो भी कुछ पूछना हो, ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इससे आप फोन करके पूछ सकते हैं और अपने समस्या को हल कर सकते हैं। इसी प्रश्नावली का अब प्रश्न नंबर 2 आप लिखिए। प्रश्न नंबर 2, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना कामा संख्या के अंकों को पलटने से बने संख्या का दोगुना है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए, इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम संख्या मानेंगे, इकाई और दहाई। मान लिया दहाई का अंक बराबर x, इकाई का अंक बराबर y, इसलिए अभीष्ट संख्या बराबर 10x+y। चूंकि x को दहाई का स्थान पर माने हुए हैं, इसलिए 10 जो है x के साथ रहेगा, 10x+y हो जाएगा। प्रथम शर्तानुसार पहली शर्त आप पिकर एक, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है।
अंक ये माने गए हैं कि इन दोनों का योगफल 9 है, अर्थात x प्लस वाई बराबर 9। ये आपका पहला समीकरण हो गया। इस संख्या का 9 गुना, यानी कि जो ये संख्या प्राप्त हुई है उसका 9 गुना। अब यहां हम लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दोगुना है। ये संख्या है, संख्या के अंक को पलट देंगे अर्थात x के स्थान पर y लिखेंगे और y के स्थान पर x लिखेंगे। इसलिए 9 छोटे कोष्टक में 10x प्लस y छोटा कोष्टक बंद बराबर 10y प्लस x। अब इसको हल करके दूसरा समीकरण प्राप्त कर लेंगे, 90x प्लस 9y बराबर 10y प्लस x। अब पक्षांतर कर लेंगे, x को इधर लेकर चले आएंगे और y को भी लेकर चले आएंगे। आपका 90x माइनस एक्स प्लस धन x को इधर ले आएंगे, चिन्ह बदल जाएगा। 9y 10y को इधर ले आएंगे, चिन्ह आपका बदल जाएगा। 10y बराबर 0 घटा देंगे, आपका थोड़ा सा ध्यान देंगे और भी क्योंकि आप प्रश्न संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दोगुना, इसका दोगुना कह रहा है तो इसका गुणा कर देंगे, सॉरी इसका गुणा कर देंगे 20y प्लस 2x। अब इसका पक्षांतर करेंगे, ये आपका 2x इधर जाएंगे तो आपका 2x हो जाएगा बराबर, बराबर नहीं बल्कि 20y को भी इधर लेकर चले आएंगे तो आपका माइनस हो जाएगा 9y माइनस 20y बराबर 0। अब एक हटा देंगे 88x, ये असमान चिन्ह में घट जाएगा, 20 में से 9 घटा देंगे आपका 11 होगा, ऋण वाला पद अधिक है इसलिए यहां पर ऋण लगा देंगे, y बराबर 0। अब यहां आप 11 कॉमन ले लीजिए, 8x ऋण y, 11 कॉमन ले लेंगे तो कोष्टक में 8x ऋण y बराबर 0। यहां से ध्यान दीजिए कि 11 के पक्षांतर इधर कर देंगे तो 0 के पट्टा में लिखा जा सकता है, लेकिन डायरेक्ट 0 लिख दिया जाता है, अर्थात अब हम यहां लिखेंगे 8x ऋण y बराबर 0। यहां से y का मान निकालने के y के पक्षांतर उधर कर देंगे, 8x बराबर y अर्थात y बराबर 8x। अब समीकरण 2 में या समीकरण 1 में किसी में भी, समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो आपका x प्लस y बराबर 9 है, आपका समीकरण 1 है, इसमें y के स्थान पर 8x रख देंगे, दोनों जुट करके आपका हो जाएगा 9x बराबर 9, x बराबर 9 बटा 9 बराबर 1, x का मान निकाल गया। अब y का मान निकाल लेंगे, इसमें मान रख देंगे, अब y बराबर 8, x में x बराबर 1 रखने पर
वाई बराबर आठ गुणे एक बराबर आठ, ये वाई का मान आपका आठ हो गया। इसलिए अभीष्ट संख्या, अभीष्ट संख्या बराबर जो आपका ऊपर संख्या लिखे हुए थे दस एक्स प्लस वाई, इसी में एक्स और वाई का मान हम रख देंगे। दस गुणे एक धन आठ बराबर दस एक कम दस प्लस आठ बराबर अठारह, ये आपका उत्तर हो गया। उत्तर आपका अठारह हो गया। अब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, पुनः मैं कह रहा हूं ये वीडियो आपको पसंद आई हो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर दें और कमेंट भी लिखें, लाइक भी कर दें। ये डॉक्टर मनोहर लेखक की किताब से आपको एनसीईआरटी पैटर्न पर सारे प्रश्न बताए जा रहे हैं जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। थैंक यू।